प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा पानी और बिजली का बना हुआ है। साथ ही साथ ये मुद्दा नेताओं के लिए एक चर्चा का विषय भी है। जहां एक ओर कांग्रेस बीजेपी को इन मुद्दों पर घेर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली है। बीजेपी भी जमकर पलटवार कर रही है। हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पत्रकारों से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव से जुड़े अनुभव और चुनाव प्रचार से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने योजनाएं कौन सी शुरू की थी जो हम लोग बंद करेंगे। भ्रष्टाचार और अखंड में डूबी हुई सरकार थी कांग्रेस, जिसका परिणाम राजस्थान की भूली भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि उनकी कौन सी स्कीम थी और कौन सी बंद हो गई। आपने 5 वर्ष तक राजस्थान में दोहन किया, सत्ता का शोषण किया जनता का। अगर आपने वास्तव में राजस्थान की भलाई के लिए काम किया होता तो राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर होता। आपने वास्तव में जनता के भले के लिए सोचा होता तो ERCP जमीन पर होती। आपने वास्तव में जनता के लिए सोचा होता तो यमुना जल समझौते पर आप हस्ताक्षर करा लेते। मैं आप ही से पूछता हूं कि आप अपने प्लॉट के अलावा पड़ोस के प्लॉट का भी नक्शा पास करा लोगे क्या? तो ERCP पे आपका मध्य प्रदेश के साथ समझौता नहीं है और आप कह रहे हो कि हमने ERCP सैंक्शन कर दी, बजट में ले आए। किस प्रकार से 5 वर्ष तक जनता को गुमराह किया और उसका परिणाम आज राजस्थान भुगत रहा है। लेकिन मैं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पहले 100 दिन में भारत सरकार के सहयोग से, मोदी सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश के साथ की भी समझौता हुआ और उस योजना को आगे बढ़ाया। यमुना जल समझौता जिसकी कल्पना नहीं की थी, उस काम को भी अमलीजामा पहलाया। बिजली के मामले में जब जब भी कांग्रेस की सरकार आई, आप देखिए किस प्रकार का समझौता किया कि हम हर महीने इस राज्य को बिजली देंगे। बिजली के क्या हालात खड़े कर दिए, कौन जिम्मेदार है उसका। लेकिन हम आज राजस्थान की जनता से वादा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से बिजली का समझौता किया है, आने वाले समय में राजस्थान बिजली के मामले में 100% आत्मनिर्भर होगा, ये जनता से वादा उन्होंने किया है। क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता का दोहन किया और उसी का परिणाम है। लेकिन भाजपा की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं, बिजली में भी आत्मनिर्भर होगा और जिन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का भी काम 5 वर्ष में और धरातल पर दिखाई देगी, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में पहल कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकसभा चुनाव के परिणाम पर कहा कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए। इसकी जनता की आवाज बन चुकी है। आप सुदूर देश के किसी भी कोने में जाके पूछोगे, अब की बार तो वहाँ के उनके मुख्य की आवाज निकली थी 400। ये मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, सुदूर गांव ढाणी की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के हर कोने की बात कर रहा हूँ कि अब की बार 400 पार। ये आवाज निश्चित रूप से 4 जून को 400 पार होगी। अब की बात फिर मोदी सरकार करके निश्चित रूप से। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।